और सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और इसको लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता शरद व्यास ने। मध्य प्रदेश में अपने 15 सालों के राजनीतिक वनवास को खत्म करने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी और 15 महीनों के बाद ही सरकार की तख्ता पलट हो चुका है और तख्ता पलट होने के बाद कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक तरफ निराशा का माहौल है तो दूसरी तरफ एक होर्डिंग के माध्यम से प्रदेशवासियों का आभार भी व्यक्त किया गया है। वहीं ये बात भी कही गई है कि दोबारा से फिर लौटेंगे। अब मेरे पीछे देख रहे हैं कांग्रेस कार्यालय पर एक होर्डिंग लगा है जिसमें तमाम बड़े नेताओं के फोटो लगे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, दिग्विजय सिंह और तमाम प्रदेश के नेताओं के अलावा मुख्यमंत्री कमलनाथ का फोटो भी लगा है। और इस पूरे होर्डिंग पोस्टर को लगाने वाले प्रदेश प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शहरयार खान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें लिखा है कि प्रदेश की जनता का धन्यवाद, आभार कि मध्य प्रदेश की उम्मीदों में विश्वासों की हार हुई है, लोभी एवं प्रलोभियों की जीत हुई है। 15 महीनों में 400 से अधिक वचन पूरे हुए हैं। मध्य प्रदेश की जनता की भावनाओं के खिलाफ भाजपा के हाथों में जनमत को बेचने वाले विभीषण को आगामी उपचुनाव में जनता जनार्दन सबक सिखाएगी। ये विभीषण किसका उल्लेख कर रहे हैं, सर्वविदित है। एक चीज नीचे सबसे महत्वपूर्ण लाइन लिखी है कि उपचुनाव के बाद फिर मध्य प्रदेश की सेवा के लिए हम तैयार हैं, जय जय कमलनाथ। ये पूरा यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 15 अगस्त को झंडा जो है वो कमलनाथ ही फहराएंगे मध्य प्रदेश में। लंबे समय की एक्सरसाइज के बाद बीजेपी सफल हुई सरकार को तख्ता पलट करने में और उसके बाद अब यहाँ पर होर्डिंग के माध्यम से एक बार फिर बताया जा रहा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस आने वाले समय में एक बार फिर ये प्रयास कर सकती है। शहरयार खान जिन्होंने होर्डिंग लगाया हमसे बात करते हैं। देखो आपने लाइन लिखी है कि उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में सेवा के लिए हम तैयार रहेंगे दोबारा से, क्या आप भी सरकार गिराएंगे? देखिए मध्य प्रदेश में जो 24 जगह उपचुनाव होना है, निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता की भावनाओं के खिलाफ जो जनमत को भाजपा के हाथों में होस्टाइज करके और मध्य प्रदेश की सरकार को अस्थिर करके गिराने का जो भाजपा के साथ मिलके इन विभीषणों ने काम किया है, तो मध्य प्रदेश की जनता और मैं आह्वान करना चाहूँगा इन 22 जगह के कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता जनार्दन से कि इन विभीषणों को, इनको ज़मीनी हकीकत बताकर, इनको हार देकर मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत ज़रूर परेशान हो रहा है लेकिन सत की आखिर में जीत होगी और हम लोग वापस मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे। मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए हम लोग फिर तैयार हैं। शहरयार खान थे, इनका कहना है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं 22-25 सीटों पर जो खाली सीटें हैं उसके ऊपर एक बार फिर से जनता कांग्रेस को बहुमत देगी और बहुमत देने के साथ साथ मध्य प्रदेश में आगामी समय में यानी अब से 3-4 महीने बाद एक बार फिर से कांग्रेस मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। एक दृश्य और मैं दिखा देना चाहता हूं कांग्रेस कार्यालय का, ताले लगे हुए हैं कांग्रेस कार्यालय पर, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है किसी प्रकार का, एक कार्यकर्ता भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। साफ जाहिर है कि सरकार गिरने के बाद कार्यकर्ताओं का भी मोहभंग अपनी पार्टी से हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर पार्टी कार्यालय पर भी पूरी तरह से ताले लगे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस होर्डिंग ने कई बात यहाँ पर कही है और इच्छा जाहिर की कि आने वाले समय में एक बार फिर से कमलनाथ आए। कमलनाथ के वक्तव्य में भी साफ तौर पर देखने को मिला कि आज यदि उनका है तो कल फिर हमारा होगा, ये वाली बात उन्होंने कही थी। तो अब ये देखना होगा कि आने वाला समय क्या कहता है, लेकिन इस होर्डिंग ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ाएगी कि जिस तरह की बात यहाँ पर कही कि आने वाले समय में फिर से कांग्रेस मध्य प्रदेश में आने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन अमित सिहोते के साथ शरद व्यास, जनतंत्र टीवी, भोपाल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।